बार कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं दानिश अली। राहुल गांधी और दानिश अली की मुलाकात ने किसको दे दी टेंशन। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली के लिए आपत्तिजनक शब्द बोलकर बुरी तरह से फंस गए हैं। इधर प्रेशर बढ़ने के बाद बीजेपी को भी आनंद फानन में कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ गया। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक झप्पी ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बड़ी टेंशन दे दी है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर 22 सितंबर 2023 की है, जब लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के असंसदीय शब्दों का शिकार हुए बीएसपी सांसद दानिश अली से अचानक मिलने राहुल गांधी पहुंच गए। इस मुलाकात की तस्वीर ने बीजेपी को शायद एहसास करा दिया हो कि उसने कैसे बैठे बिठाए राहुल गांधी को मौका दे दिया है। हम इसे मौका इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहां बीजेपी महिला आरक्षण बिल संसद में पास कराए जाने का क्रेडिट लेते हुए जश्न मना रही थी, वहीं बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने पार्टी को असमंजस की स्थिति में डाल दिया। जो वक्त जश्न में डूबा हुआ था वो वक्त अब सफाई देने में बीत रहा है। बीजेपी ना इसे अब उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। जहां हर तरफ रमेश बिधूड़ी के बयान की थूथू हो रही थी, तभी राहुल गांधी 22 सितंबर की शाम को दानिश अली के घर उनसे मिलने पहुंच गए। अब इस मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से तो खुद ही ये कह दिया गया कि कांग्रेस में जाने के लिए इतना ड्रामा क्यों? ये ट्वीट बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से किया गया है। तो उधर बसपा सांसद दानिश अली से राहुल गांधी की मुलाकात मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी टेंशन दे रही होगी, और इस टेंशन की वजह है मुस्लिम वोट बैंक। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वैसे तो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें यूपी में अपने जनाधार की चिंता नहीं होगी। कहा जाता आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ मुस्लिम बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट देता आया है, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती रही ये वोट बैंक क्षेत्रीय दलों के बीच बढ़ता चला गया। उदाहरण के तौर पर बताएं तो जैसे बिहार में मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के साथ हो गया, तो वहीं यूपी में ये सपा और बीएसपी के बीच बट गया। ऐसे में अखिलेश और मायावती दोनों को ये चिंता सता सकती है कि कहीं 2024 के चक्कर में ये बड़ा वोट बैंक शिफ्ट न हो जाए। सवाल तो ये भी उठता है कि इस मुद्दे पर मायावती और बीएसपी से अधिक राहुल और कांग्रेस सक्रिय क्यों दिख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस लगातार अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस लाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। दानिश अली के बहाने कांग्रेस मुस्लिमों को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो उनके हक के लिए हमेशा तत्पर है। ऐसे में कांग्रेस 2024 चुनाव से पहले उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में है। बहरहाल इस घटनाक्रम से कांग्रेस या विपक्ष को वोट बैंक में फायदा होगा या नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि रमेश बिधूड़ी ने पार्टी की साख पर बड़ा बट्टा जरूर लगा दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।